लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दुनिया की सबसे खतरनाक पुलों में से एक है पेरू देश में कुजको गांव का रोप ब्रिज। रस्सी से बना ये पुल कुजको गांव को पेरू से जोड़ता है और इसे यहां के आदिवासी पारंपरिक तरीके से बनाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको दुनिया के इस अजूबे पुल की झलकियां। जंगली घास की रस्सी का 124 फीट लंबा ब्रिज गांव को पेरू से जोड़ता आ रहा है। हर साल गांव वाले मिलकर नया ब्रिज बनाते हैं। 3 दिन में कुजको गांव के लोग इस ब्रिज को हर साल बनाते हैं और इनका तरीका अपने आप में अनूठा है। यह झूलता हुआ क्विस्वाचक पुल नदी को पार करने के लिए बनाया गया था। यह ब्रिज 500 साल से गांव के लोगों को पेरू से जोड़ रहा है। खास बात यह है कि हर साल गांव के लोग इस 124 फीट लंबे ब्रिज को बनाते हैं। इस दौरान कुजको गांव के लोग ब्रिज बनाने वाले लोगों की सलामती की दुआ करते हैं और ब्रिज के बनने पर जश्न भी मनाते हैं। इसकी लंबाई 118 फीट है और 220 फीट की ऊंचाई है। यह कैन्योन की तेज बहती हुई नदी पर बना हुआ है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिज में से एक माना जाता है। कुजको गांव का यह ब्रिज पर्यटकों के बीच काफी चर्चित है। इस देखने हर साल 10,000 से ज्यादा विदेश सैलानी आते हैं। इसी टूरिज्म के पैसों से गांव वालों की रोजी रोटी चलती है। पेरू सरकार ने इसे अनोखे ब्रिज को कल्चर हेरिटेज भी घोषित कर रखा है। 2013 में इस ब्रिज को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली थी।